भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम किरदार निभाने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के सलेम जिले के थूरपल्ली गांव में 10 दिसंबर 1878 को हुआ। उन्हें राजाजी और सीआर के नाम से जाना जाता था। वकालत से करियर शुरू करने वाले राजाजी उस दौर में गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव में आए और 1911 में स्वतंत्रता संग्राम में कूदे। 1919 में राजाजी की बेटी लक्ष्मी की शादी महात्मा गांधी के चौथे बेटे देवदास गांधी से हुई। 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया तो राजा जी ने भी नमक कानून तोड़ा था। यह अलग बात है कि वक्त के साथ गांधी जी के साथ रिश्तों में इतनी खटास हुई कि भारत छोड़ो आंदोलन में राजा जी ने हिस्सा नहीं लिया। 1973 में काउंसिल के चुनाव में मद्रास प्रांत में कांग्रेस की जीत हुई। इसके अगुवा राजा जी रहे, उन्हें मद्रास का मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 1940 में देश में अंतरिम सरकार बनी, उन्हें केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया। साल 1947 में आजादी मिलने पर वो बंगाल के राज्यपाल बने और अगले ही साल उन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौत के बाद राजाजी को गृह मंत्री बनाया गया और इस पद पर वो 10 महीने तक रहे। 1952 में फिर मद्रास के मुख्यमंत्री बने। राजगोपालाचारी ने जात पात का भी विरोध किया, पिछड़ों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने का सराहनीय काम किया। राजाजी नेहरू से वैचारिक असहमति के चलते कांग्रेस से अलग हुए और एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम एंटी कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी था। वैचारिक मतभेद के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव किया, क्योंकि राजाजी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, इसलिए कांग्रेस ने प्रस्ताव को नामंजूर किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। 1954 में राजाजी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजाजी को अपनी किताब चक्रवर्ती थिरुमगम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 25 दिसंबर 1972 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अंतिम सांस ली।